Good evening. Welcome to English Tutorials. Ashish sir, the topic for discussion we have chosen is Trump Russia Saga. दोस्तों ये Trump Russia Saga क्योंकि मैंने इसलिए टॉपिक ऑफ डिस्कशन चुना है कारण कि इससे पहले भी हम द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल जब हमने पढ़ा था तो इस विषय में कुछ चर्चा देखने को मिली थी. दो दिन पहले का ही न्यूज़पेपर उठा लीजिए आप. और आए दिन इस प्रकार की खबरें 2016 से लेकर लगातार अब तक एट रेगुलर इंटरवल्स हमें देखने में आता है कि ट्रंप और रशिया का संबंध आखिर वास्तव में बात क्या है, ये कहानी क्या है, माजरा क्या है, इस संदर्भ में हमें यहाँ पे बात करेंगे. तो ट्रंप रशिया सागा, सागा का मतलब आप नोट कर लीजिए, कहानी को बोलते हैं. तो इंग्लिश इंप्रूव होगी, जनरल अवेयरनेस आपका अपडेट होगा और जो स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये जनरल स्टडीज़ के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है. इसका जो सोर्स है वो इंडियन एक्सप्रेस है. इंडियन एक्सप्रेस से कंपाइल किया गया है मैटर. तो देखिए इसमें क्या था. तो हर एक चीज़ का पॉइंट वाइज डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा. इट्स बीन 22 मंथ्स सिंस फॉर्मर एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट म्यूलर. रॉबर्ट म्यूलर का नाम आपने सुना होगा. रॉबर्ट म्यूलर रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा. ये जो रिपोर्ट है, रॉबर्ट म्यूलर आखिर में है कौन, तो ये भूतपूर्व एफबीआई डायरेक्टर है. एफबीआई एक जांच एजेंसी है. जैसे इंडिया में सीबीआई है, वैसे अमेरिका में एफबीआई एक जांच एजेंसी है. तो इट्स बीन 22 मंथ्स, तो 22 महीनों का वक्त गुजर गया है जब भूतपूर्व एफबीआई डायरेक्टर रॉबर्ट म्यूलर को वॉज अपॉइंटेड टू हेड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इनटू रशियन इंटरफेरेंस इन द 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वेदर द ट्रंप कैंपेन वॉज इन्वॉल्व. तो 22 महीनों का समय गुजर गया है कि भूतपूर्व एफबीआई निदेशक रॉबर्ट म्यूलर को नियुक्त किया गया था कि वो एक विशेष जांच पड़ताल है, उसके हेड, उसको हेड करें. और वो जो जांच थी वो किस संदर्भ में थी? वो जांच थी रशियन इंटरफेरेंस जो था चुनावों में, जो ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे 2016 का, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो उसमें रशिया की भूमिका को शक की निगाह से आज भी देखा जाता है. उसी के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भूतपूर्व एफबीआई निदेशक रॉबर्ट म्यूलर को नियुक्त किया गया था. एंड वेदर द ट्रंप कैंपेन वॉज इन्वॉल्व, इसमें यह भी इनको देखना था कि प्रेजिडेंशियल इलेक्शन में क्या रशिया का इंटरफेरेंस था, क्या रशियन हस्तक्षेप किया था, और क्या जो ट्रंप कैंपेन है क्या वो भी इसमें शामिल था. तो इसकी जाँच के लिए एफबीआई डायरेक्टर जो भूतपूर्व थे उन्हें नियुक्त किया गया था 22 महीने पहले 2016 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन संबंधित. तो ये तो एक भूमिका है कि वास्तव में ट्रंप रशिया कहानी जो है वो किस पर आधारित है. तो ये उस चुनाव से संबंधित है जब हिलरी क्लिंटन इनके विपक्ष में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही थी और लगभग लग रहा था कि क्लिंटन ही राष्ट्रपति बनेगी, लेकिन अचानक देखने में आया कि ट्रंप बने. और उसके बाद में कुछ दौर इस प्रकार का चला कि कुछ प्रकार की आलोचनाएं की गई कि कुछ आरोप लगाए गए रशियन एजेंसीज पर कि रशिया ने इंटरफेयर किया है इस एडमिनिस्ट्रेटिव चुनाव अभियान के अंदर. तो इसी को लेकर ये लेख है. तो देखिए टॉप पॉइंट वाइज हम डिस्कशन स्टार्ट करें. हाउ इज रशिया सपोज टू हैव इन्फ्लुएंस्ड इन अ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि कैसे रशिया जो है सपोज टू हैव इन्फ्लुएंस, कैसे रशिया ने इन्फ्लुएंस किया होगा, कैसा ये मतलब एक अनुमान है, क्यों अनुमान लगाया गया कि रशिया ने यूएस के इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इन्फ्लुएंस किया है, प्रभाव डाला है, हस्तक्षेप किया है. तो देखिए सबसे पहला बिंदु जो देखने में आया जांच पड़ताल में वो देखिए, अहेड ऑफ द इलेक्शन इन 2016, 2016 का चुनाव हुआ, रिपोर्ट्स इमर्ज. तो उस समय कुछ रिपोर्ट उभर कर आई. इमर्ज का मतलब उभरना होता है. कुछ रिपोर्ट सामने आई रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की. रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं वर्किंग फॉर एन एजेंसी नोन एज GRU, जो कि काम कर रहे थे एक वर्किंग फॉर एन एजेंसी, एक एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, एजेंसी का नाम था GRU, हैक्ड इनटू द डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी एंड द जीमेल अकाउंट ऑफ जॉन पोडेस्टा, हिलरी क्लिंटन्स कैंपेन मैनेजर. जॉन पोडेस्टा कौन थे? हिलरी क्लिंटन का जो ये अभियान चल रहा था उनकी तरफ से, उस अभियान को ये मैनेज कर रहे थे, इनके अकाउंट को और DNC डेमोक्रेटिक नेशनल कमिटी के अकाउंट को हैक किया गया इस एजेंसी के द्वारा. सबसे पहला आरोप तो ये. इसके बाद देखिए इसको बल तब मिला जब विकिलीक्स ने कुछ ईमेल्स जगजाहिर कर दिए, सार्वजनिक कर दिए. विकिलीक्स रिलीज थाउजेंड्स ऑफ ईमेल्स, तो हजारों ईमेल्स सामने लाकर रख दिए विकिलीक्स ने, दैट रशियन ऑपरेटिव्स हैड एलिजेडली हैक्ड फ्रॉम द DNC. एलिजेडली का मतलब तथाकथित रूप से, हैक्ड फ्रॉम द DNC. जो DNC से जो भी ईमेल हैक किए गए थे, वो जो हैक्ड ईमेल्स थे वो विकिलीक्स ने सामने लाकर रख दिए, सार्वजनिक कर दिए थे. तो उससे इस बात को बल मिला था कि वास्तव में ऐसा हुआ था. तीसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑपरेटिव्स एट रशियन प्राइवेट फर्म इंटरनेट रिसर्च एजेंसी, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जो ऑपरेटिव्स थे रशियन प्राइवेट
फॉर्म इंटरनेट रिसर्च एजेंसी एक है उसके अंदर विच एलिजेडली हैज क्रेमलिन टाइज. क्रेमलिन एक किले का नाम है मॉस्को में, रशिया का ही एक भाग है, वहां से संबंध तथाकथित संबंध बताया जाता है क्रेमलिन से. पोस्ड एज अमेरिकन्स ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, उसने कुछ ऐसा दर्शाया अमेरिकन्स को फेसबुक और ट्विटर पर कि जो अमेरिकन्स है वो क्लिंटन का मजाक करते हुए दर्शाया, उनको तो मॉक कर रहे थे, और ट्रंप को प्रमोट करते हुए दर्शाया गया. ठीक है, इसके बाद देखिए, पुतिन इज सीन एज एंटी क्लिंटन. पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनको माना जाता है कि ये क्लिंटन के विरोधी रहे हैं हमेशा से ही. ही हैड ऑर्डर्ड दीज इन्फ्लुएंस कैंपेन्स, उन्होंने इन जो इन्फ्लुएंस कैंपेन्स है इस चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का जो कैंपेन चलाया गया था उसका आदेश इन्होंने ही दिया, इवन बिफोर ट्रंप अनाउंस्ड हिज रन. और ये भी बहुत पहले उन्होंने कर दिया था, ट्रंप ने जब से राष्ट्रपति चुनाव में कैंपेनिंग अपने स्टार्ट की उससे पहले ही इन्होंने आदेश दे दिया था. यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज कंक्लूड, और ये कहना है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जब इन्होंने छानबीन करी तो ये सामने आया कि पुतिन जो कि एंटी क्लिंटन हैं उन्होंने ही इस प्रकार का आदेश दिया था कि ये चुनाव जो है हमें इंटरफेयर करना है, हमें इन्फ्लुएंस करना है, और हमारे पक्ष में, और इनका पक्ष यही था कि डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति बने. इन जुलाई 2016 में द FBI opened a probe into connections. देखिए ग्रामर की बात बता दूं यहाँ पे आपको कि प्रॉब के साथ में इंटू का प्रयोग करते हैं, इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटू का प्रयोग करते हैं, हैक के साथ इंटू का प्रयोग करते हैं. प्रॉब और इन्वेस्टिगेशन दोनों का मतलब जांच होता है, यहाँ इंटू लगेगा, ये याद रखिएगा. तो कहा गया है कि इन जुलाई 2016 जुलाई में द FBI opened a probe. FBI ने एक जांच चलाई थी कनेक्शंस बिटवीन ट्रंप एसोसिएट्स एंड रशिया, और वो जांच होनी थी कि क्या संबंध है ट्रंप जो एसोसिएट्स हैं, ट्रंप का जो खेमा है और रशिया है उसका क्या संबंध है, उस बारे में जांच यहां पे शुरू की गई थी FBI के द्वारा. द FBI सेड, FBI ने कहा कि इट प्रॉब्ड वन ऑफ ट्रंप कैंपेन एडवाइजर्स जॉर्ज पैपेडोलोस. इसमें यह कहा गया FBI ने कहा कि जब इन्होंने जांच की, ट्रंप कैंपेन एक एडवाइजर था ट्रंप के कैंपेन का, उस एडवाइजर्स में से एक एडवाइजर का नाम जॉर्ज पैपेडोलोस था, उनकी जांच में पाया who knew in advance about Russia's plans, कि ये जो व्यक्ति है जॉर्ज पैपेडोलोस वो पहले से ही जानते थे रशिया की योजनाओं के बारे में, एज वेल एज ट्रंप एसोसिएट्स पॉल मैनाफोर्ट, माइकल फ्लिन एंड कार्टर पेज, और साथ ही ट्रंप के जो एसोसिएट्स हैं जैसे कि पॉल मैनाफोर्ट जो नाम है, माइकल फ्लिन है और कार्टर पेज है, इनके बारे में भी उनको पहले से पता था. तो रशिया की क्या योजनाएं हैं और ट्रंप एसोसिएट्स जो हैं, ये तीन जो नाम बताए हैं इनके बारे में इनको पहले से पता था, ये FBI ने जांच के अंदर पाया था. अब फ्लिन को देखिए, इस बात को और अधिक बल कब मिला कि फ्लिन जो है उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिया गया जनवरी 2017 में. आफ्टर ट्रंप्स विक्ट्री फ्लिन डिस्कस्ड विद द रशियन एम्बेसडर द सैंक्शंस दैट प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैड इम्पोज्ड ऑन रशिया ओवर इट्स एलेज्ड इलेक्शन इंटरफेरेंस अकॉर्डिंग टू द NYT, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए NYT का प्रयोग किया गया है. तो फ्लिन को बना दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार 2017 जनवरी में. ट्रंप के जीत के बाद में फ्लिन ने रशिया के एम्बेसडर के साथ में उन सभी प्रतिबंधों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया. सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध जो कि इन्होंने थोपे थे, इम्पोज का मतलब थोपना होता है, और इसके साथ ऑन का प्रयोग, जिस पर थोपा गया है उसके लिए ऑन का प्रयोग प्रपोजिशन के रूप में होगा. तो रशियन एम्बेसडर द सैंक्शन, रशियन एम्बेसडर के साथ में उन्होंने सब प्रतिबंधों के साथ चर्चा करना स्टार्ट कर दिया इन फ्लिन ने, जो कि बराक ओबामा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे रशिया पर. और रशिया प्रतिबंध क्यों लगाए थे, क्योंकि इलेक्शन इंटरफेरेंस उस समय से भी रशिया का चल रहा था, उस तथाकथित आरोप में इन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे. न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में ये सब कुछ सामने आया. फिर देखिए एक और पॉइंट बता दें आपको, इन मार्च 2017 मार्च में ये हुआ कि FBI डायरेक्टर जेम्स बी कमॉय testified before a House committee that the FBI was probing possible links between the Trump campaign and alleged Russian effort. FBI के जो निदेशक थे उस समय, तत्कालीन जो निदेशक थे जेम्स बी कमॉय उनका नाम था, उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो एजेंसी है वो जांच कर रही है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो निकाल कर लेकर आएगी. जो जांच चल रही थी वो ट्रंप कैंपेन और रशियन जो एफर्ट है उनके बीच क्या संबंध था, इसको जांच पड़ताल चल रही थी. और उन्होंने आगे ये भी कहा, इनमें मई में इन्होंने ये रीअफर्म कर दिया, फिर से इन्होंने दावा किया कि FBI's डिसीजन टू गो अहेड विद द प्रॉब, कि FBI ने तय कर लिया है कि वो अपनी जांच को जारी रखेगी. ट्रंप फायर्ड कमॉय, तो इन्होंने देखिए ट्रंप ने इनको नौकरी से निकाल दिया.
जो इनको एफबीआई निदेशक के पद से हाथ धोना पड़ा, तो ये भी ये सब पॉइंट्स वो इशारा कर रहे हैं कि कैसे ट्रंप कैंपेन और रशिया की मिलीभगत थी, कैसे इस चुनाव को मैनिपुलेट करके ट्रंप के फेवर में रिजल्ट लाया गया। तो जब कमोई जो के डायरेक्टर थे, इन्होंने कहा कि जांच हम करेंगे, तो इनको फायर कर दिया गया। इसके बाद जब जेम्स कमोई निकल गए, जब इनको हटा दिया गया, तो फिर म्यूलर को अपॉइंट किया गया स्पेशल काउंसिल के रूप में, इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया। ट्रंप ने अपने व्हाइट हाउस काउंसिल जो थे डॉन मैकगन, उनको कहा कि भाई आप म्यूलर को भी फायर कर दो, क्योंकि म्यूलर भी जांच कर रहे थे, तो म्यूलर को भी हटा दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर देखो, चूंकि दबाव तो था ही राष्ट्रपति का, इस कारण से इस व्यक्ति को जिनको इन्होंने कहा था, डॉन मैकगन की बात है, जिनको इन्होंने कहा था कि आप म्यूलर को हटा दीजिए, नहीं हटाया था, इनको अंततः इस्तीफा देना पड़ा मजबूरन, बाध्य होकर। और अब देखिए जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल कर आया, क्या फाइंडिंग्स हैं। तो मैनाफोर्ट और रिक गेट्स, ट्रंप इनर सर्कल या ट्रंप के खेमे के व्यक्ति हैं मैनाफोर्ट और रिक गेट्स, वर इंडाइटेड ऑन चार्जेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स, इन पर कुछ वित्तीय आरोप संबंधी कुछ आरोप लगाए गए, रिलेटेड टू देयर वर्क एज कंसल्टेंट्स फॉर ए प्रो रशियन लीडर ऑफ यूक्रेन। इनसे इनके बारे में कहा गया कि भाई ये रशियन, ये एक प्रो रशियन लीडर ऑफ यूक्रेन है, उनके कंसल्टेंट्स के रूप में काम करते हैं, ये अमेरिका में हैं लेकिन रशिया के लिए काम करते हैं, इन पर ये आरोप लगाया गया। दूसरा देखिए, म्यूलर की टीम ने जब कुछ पॉसिबल आउटकम निकाले, अनअर्थ का मतलब है बाहर निकालना, डिस्क्लोज करना, रिवील करना, तो म्यूलर की टीम ने अनर्थ किया, मतलब बाहर निकाला, सामने लेकर आए, फाइंडिंग्स निकाली, पॉसिबल करप्शन रिलेटिंग टू ट्रंप इन अदर मैटर्स। इनको एग्जैक्ट वो चीज़ें तो हाथ नहीं लगी जो कि जिसमें ये साफ साफ बताया जा सके कि भाई इन दोनों का कुछ संबंध नहीं, कुछ और मैटर्स में जब जांच पड़ताल हुई तो कुछ और मैटर निकल कर सामने आए, जिसमें से एक मुख्य मैटर ये था कि ट्रंप का लॉयर जो था माइकल कोहेन, जब इनको इंटेरोगेट किया गया, जब इनके ऑफिस पर रेड डाली गई, तो ये पाया गया कि कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर्स भी रहे हैं, ट्रंप के कुछ सेक्सुअल संबंध होने की बात सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार म्यूलर ने अपनी रिपोर्ट में 34 पीपल पर आरोप लगाया और 199 काउंट्स के साथ, मतलब 199 बिंदुओं के आधार पर 34 पीपल पर आरोप लगाया, लीडिंग टू द सबमिशन ऑफ हिज रिपोर्ट। ठीक है ना, जब इन्होंने सबमिट की अपनी रिपोर्ट, तो पता लगा कि 34 लोग इसमें दोषी पाए गए 199 बिंदुओं के आधार पर, ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, और न्याय में व्यवधान डालना, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब व्यवधान है, रुकावट है, ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस द रिपोर्ट वॉज कोटेड एज सेइंग। तो ये कहा गया कि भाई इन्होंने व्यवधान डाला है न्याय करने के संदर्भ में, द रिपोर्ट वॉज कोटेड एज सेइंग, जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट में, ठीक है ये तो कंक्लूड नहीं होता है, ये तो निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि प्रेजिडेंट ने कोई क्राइम किया है, प्रेजिडेंट कोई कमिट किया, जैसे अपने परसों का अखबार ही संभवतः पढ़ा हो, उसमें बताया था कि म्यूलर की जो रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया, और ये भी अटॉर्नी जनरल जो बर हैं उनके द्वारा कहे गए शब्द थे कि म्यूलर की रिपोर्ट में ये सामने आया, कि डायरेक्ट रूप से आप ये नहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने अपराध किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूलर रिपोर्ट में उनको एक्जोनरेट कर दिया जाए, दोषमुक्त करार दे दिया जाए, ये भी फाइंडिंग सामने नहीं आई है। तो ये कुछ बिंदुओं के सहारे, कुछ आंकड़ों के सहारे हमने जानने का प्रयास किया है कि ये म्यूलर रिपोर्ट क्या है, और आखिर ट्रंप और रशिया कनेक्शन किस आधार पर देखा जा रहा है, क्यों ये कहा गया बार बार में कि चुनाव होने के बाद में, जब चुनाव का रिजल्ट ट्रंप कैंपेन के पक्ष में आया तो इसमें रशिया ने इंटरफेयर किया। तो ये सब बातें हमने जानी हैं। डेफिनेटली ये आपको पसंद आया होगा, आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो हमारी ऐप है आशीष क्लासेस, उसे भी आप डाउनलोड कर लें, सीधा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारा पेड कोर्स चल रहा है 100 वीडियोज जो वहाँ प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको SSC प्रीवियस ईयर पेपर्स के नाम से, वो भी आप बाई कर लें ताकि एग्जाम्स में आपका स्कोर अच्छा हो। चलिए मिलते हैं किसी एक अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।